घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इमोशंस, फील बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एक सिंगर के लिए और एक म्यूजिशियन के लिए, जो संगीत में है या यूं कहूं कि कला में है उसके लिए। क्योंकि कला का मेन मोटिव क्या है? आप अपने विचारों को व्यक्त करते हो। जैसे आपके थॉट्स होंगे, जैसा आपका माइंडसेट चल रहा होगा, वैसे ही आप व्यक्त करोगे। कोई भी कला हो आपकी, आप पेंटर हैं, आप संगीत में हैं, कोई भी कला है आपकी, उसमें आपका, आपके विचार वो झलक जाते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है, आपका थॉट पावर क्या है, थॉट प्रोसेस क्या है, कितना हाई सोचते हैं, किस लेवल तक का सोचते हैं, किस जोन का सोचते हैं, क्या मूड है। ज़्यादातर लोगों का सवाल है, ज़्यादातर सिंगर्स का सवाल है, गाने में फील कैसे लाएं, हर कोई पूछता है। अभी जो मैंने वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया, लोग कहते हैं कि आवाज़ में दर्द कैसे लाया जाए, या आवाज़ में मिठास कैसे लाई जाए, कि मीठा मीठा कैसे गाया जाए। तो मैंने उसमें बताया था कि गाने की सिचुएशन पर डिपेंड है कि आप कैसे गाते हो। ज़रूरी नहीं है आपकी आवाज़ में दर्द हो, आप दर्द लाते हो अकॉर्डिंग टू द सॉन्ग, अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन। होता नहीं है ऐसा, नहीं आप अगर परमानेंट आवाज़ में दर्द हुआ तो कोई प्यार भरा खुशी वाला गाना आप गा ही नहीं पाओगे। इस हिसाब से तो कोई वीर रस का गाना आप गा ही नहीं पाओगे, देश के लिए अगर कोई देशभक्ति गीत है गा ही नहीं पाओगे। तो वो सारी चीज़ें हैं कि लोग कहते हैं कि कैसे कोई गाना गाया जा सकता है फील के साथ, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि फील जो है वो आता है लिरिक्स से। लिरिक्स यानी कि जो शब्द हैं उनके भाव आप समझ लें, फिर आप कैसा भी गाइए, कोई भी फील आप दीजिए, आप उसमें दे सकते हैं। अगर लिरिक्स की मीनिंग समझ नहीं आए तो गायकी में मज़ा नहीं आएगा, तो गायकी में फील नहीं आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। लिरिक्स कहती है अगर कुछ रोमांटिक शब्द, तो ऑटोमेटिक अंदर वो शब्द जब समझ आएंगे तो एक रोमांस वाली फील आएगी, है ना। अगर दर्द भरा गीत है, किसी के बिछुड़ने का गीत है, विदाई गीत है, या कुछ ऐसी सिचुएशन पर लिखा गया है जिसमें दुख है, तो वो समझोगे, दिमाग में चलेगा, इमेज बनेगी, फील करोगे, इमोशंस आएंगे और आप गा दोगे। आपको सामने वाले को सुन के लगेगा कि आपने वैसा गाया है। अब यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मैं एक्टर से इसको रिलेट करता हूँ। दो प्रकार के एक्टर्स होते हैं, एक ऑब्जर्व करके एक्टिंग करने वाले और एक होते हैं मेथड एक्टर। आपने सुना होगा काफ़ियों ने। मेथड एक्टर वो होते हैं जो सिचुएशन में ढल कर फिर उस रोल को करते हैं। आज मान लीजिए मुझे अगर बोला गया है कि थका हुआ कोई सीन करना है, तो मैं पहले थकूंगा, कुछ खेलूंगा, पसीना आएगा, थकूंगा, और फिर मैं वो सीन करूंगा। और एक मैं वही सीन सिर्फ इमेजिनेशन से, ऑब्जर्वेशन से करूंगा कि इतना मैं अगर खेलता हूं तो इतना थक जाऊंगा, मुझे ऑटोमेटिक वैसा मैं बन जाऊंगा और ऑटोमेटिक वैसा होगा, ठीक है। एक आर्टिस्ट को, एक सिंगर को मेथड लोग कहते हैं, जनरली लोग कहते हैं कि जब तक आपके दिल में दर्द ना हो, आपने वो सब फील नहीं किया हो, आप नहीं गा सकते। दिल नहीं टूटा हो तो सिंगिंग नहीं होती, ऐसे ये चीज़ें हैं। लेकिन मैं इन सब मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ ऑब्जर्वेशन में, मैं मानता हूँ लिरिक्स को समझने में। एक परफॉर्मर, एक सिंगर, एक म्यूजिशियन को बहुत बड़ा एक्टर, बहुत बड़ा परफॉर्मर होना ज़रूरी है ताकि वो चीज़ों को समझ सके। लिरिक्स क्या कहती हैं आप ऑब्जर्व कीजिए कि वैसा आपको क्या लगता है, उसमें सामने वाला कैसा फील करता होगा, आप वैसा दीजिए ना। माना कि उसकी बात तो अलग ही है जब आपने वो चीज़ फील करी है। लेकिन ये चीज़ पिताजी ने मुझे बताई कि अगर उन्होंने कोई दुख भरा गाना लिखा है, दर्द भरा लिरिक्स हैं या कोई ऐसी मार्मिक शब्द हैं, वो खुद नहीं गा पाएंगे, क्योंकि वो उसको कुछ ज़्यादा ही फील कर लेते हैं और इमोशन ऐसे आ जाते हैं कि फिर आपसे वो गवता ही नहीं, आपका गला भर आता है, आप नहीं गा पाते, आपने इमोशंस ज़्यादा आ जाते हैं। यू हैव टू एक्ट वाइल सिंगिंग। अगर आप एक सिंगर हैं तो आपको एक अच्छा एक्टर होना ज़रूरी है। जब आप एक्ट करेंगे उस चीज़ को तो गाने में फील आ जाएगा। और कोई जरिया नहीं है गाने में फील लाने का, गाने में आवाज़ में दर्द लाने का। लिरिक्स को समझिए, एक्ट करिए, उस चीज़ को निभाइए, रोल समझ के गाइए। एक ही टाइम पे आप चार गाने गा पाएंगे चारों फील के, है ना। एक में वीर रस होगा, एक में प्यार मोहब्बत होगी, एक में दुख दर्द होगा, है ना, और एक में हो सकता है कुछ नफरत हो, नफरत वाली लिरिक्स लिखिए, है ना। तो वो वाली सारी चीज़ें कि लिरिक्स को आपने नहीं समझा तो आप पॉसिबल ही नहीं है वैसा फील लाना गाने में। तो गाने के फील के लिए लिरिक्स को समझना आवश्यक है। साहित्य, साइकोलॉजी, इन सब का बहुत अपना रोल है संगीत में। अगर आप एक सिंगर बनते हैं, मैंने एक इस पे वीडियो दिया है कि सिंगिंग करने के लिए कई सारी चीज़ें, एस्पेक्ट्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं। एक गाना हमें यूं ही पसंद नहीं आ जाता है,
या तो उसका सिंगर हमें अच्छा लगता होगा, या वो लिरिक्स हमें भाती होंगी, या कंपोजिशन है जो हमको अच्छी लगती है। तो वो चीज़ें ओवरऑल चीज़ें होती हैं जो एक गाने को अच्छा बनाती हैं, है ना। आप अगर लिरिक्स को पसंद करने वाले हैं तो आपको शब्द अच्छे लग जाएंगे। शब्दों की बहुत एक इंपॉर्टेंस है, शब्द अच्छे ना हो तो गीत का मतलब नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो गीत बनाएं या कुछ निर्माण करें तो उनके शब्द अच्छे होने चाहिए, क्योंकि संगीत का मतलब ही वे ऑफ एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स थ्रू योर म्यूजिक। तो उसमें म्यूजिक में आप शब्द भी दे रहे हैं, तो शब्दों से ही तो विचार व्यक्त हो रहे हैं। धुन से तो हो जाएंगे बट ऑफकोर्स, तो फिर वो गीत नहीं, फिर खाली धुन हो, वो इंस्ट्रूमेंटल हो, तो आपके विचार अच्छे व्यक्त होंगे। आप उस राग को चुन के वैसा अपना मूड वहाँ डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में वो शब्द, अगर आप सिंग कर रहे हैं तो आपको शब्दों की आवश्यकता है, तो शब्द अच्छे होने चाहिए। एक और चीज़ है, व्हेनेवर यू आर सिंगिंग, जब आप गा रहे होते हैं तब आपको अपना मूड बदलना है। आपका भले ही मूड फ्रस्ट्रेटेड है, आप गुस्से में हैं, कुछ भी है, लेकिन जिस टाइम आप परफॉर्म करने उतरे हैं, चेंज, स्विच करना है आपको। आप अपनी पर्सनालिटी से हटकर उस गाने को गाने वाले की पर्सनालिटी में स्विच हो जाते हैं, कि आपको फिर गुस्सा नहीं आ रहा होता है। अभी आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में गुस्सा चल रहा है, लेकिन जैसे ही गाने गाने की बातें आई तो अरे स्माइल आ जाती है चेहरे पर। सेम एक्टिंग में यही होता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्टर होना बहुत आवश्यक है एक सिंगर को, तो ही वो इन चीज़ों को समझ पाता है, ठीक है, परफॉर्म कर पाता है, बिहेव कर पाता है ना, वो सामने वाले को फील करा पाता है। जैसा आप फील करोगे सामने वाला वैसा ही फील करेगा, इमोशंस होते हैं। और एक और चीज़, एक राज की बात बताता हूँ, कि जब भी आपसे कुछ गलती हो रही हो वाइल परफॉर्मिंग, परफॉर्म करते समय कुछ गलती है, तो एक्सप्रेस मत कीजिए उसको, मुंह मत बिगाड़िए, या फिर अरे ऐसी चीज़ें मत करिए, इससे सामने वाले को पता पड़ जाता है कि आप गलती कर रहे हो, है ना। मगर अगर वैसा रिएक्ट ही नहीं करोगे, आप नॉर्मल रिएक्ट करके उसे घुमाइए ना, आपके पास कला है, अगर आप सीखे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको घुमा के अपने ढंग से पेश करके घुमा के ले आइए उसी चीज़ को, किसी को पता भी नहीं पड़ेगा यहाँ मिस्टेक हुई है, या वो चीज़ सम पे नहीं आई, या ऐसा कुछ हुआ। तो ये चीज़ें हैं, परफॉर्मिंग स्किल्स हैं, परफॉर्मिंग आर्ट है, जो आपको समझना होगा। एक एक्टर होना बहुत आवश्यक है। होता है ऑन द स्टेज हम कुछ गड़बड़ कर जाते हैं तो इम्प्रोवाइजेशन होता है, डायलॉग इधर का उधर हुआ तो इम्प्रोवाइज कर जाते हैं, तो वही चीज़ें गीत में भी होती हैं, इम्प्रोवाइजेशन ही है संगीत तो पूरा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि गाने में फील लाने के लिए लिरिक्स को समझना आवश्यक है। जुड़े रहें संगीत परवा वर्ल्ड से और सीखते रहें। लाइक कमेंट शेयर करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को।